नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। काराका प्रखंड क्षेत्र के मोथा पंचायत के रघुनाथपुर गांव स्थित खेत में आग लगने से लाखों रुपए की गेहूं फसल जलकर राख हो गई। घटना के संबंध में रघुनाथपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सह भाजपा नेता सुशील पांडेय ने बताया कि सोमवार की देर दोपहर गांव स्थित खेत में लगे गेहूं की तैयार फसल के ऊपर से जर्जर विद्युत तार के झूलते हुए आपस में लड़ने से निकली आग की गोला से लगभग 4 किसान सहित अन्य किसानों का कुल मिलाकर लगभग 20 बीघे का गेहूं फसल जलकर राख हो गया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही काराका थाना के फायर ब्रिगेड की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंच आग बुझाने में जुट गई। साथ ही साथ घटना स्थल पर सैकड़ों की तादाद में उपस्थित ग्रामीणों एवं फायर ब्रिगेड गाड़ी के कर्मियों द्वारा काफी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस घटना के उपरांत रघुनाथपुर गांव निवासी किसान रामाकांत पांडेय, सुशील पांडेय, सुरेंद्र पांडेय, ओपी पांडेय के अलावा अन्य किसानों का लगभग 20 बीघे का गेहूं जलकर राख हो गया। इस विकट आपदा को लेकर सभी किसान सदमे में पड़े हुए हैं। रिपोर्ट राजू रंजन दुबे, बिक्रमगंज, रोहतास, बिहार।